हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियो। पायल, टीना, रजनी, अर्चना और पूजा का घर बॉर्डर के एकदम पास वाले गांव में था। उनके माता पिता आर्मी कैंप में ही काम करते थे। उसके पिता का नाम मोहन और माता का नाम सुनीता था। मोहन आर्मी कैंप में ड्राइवर था, जबकि सुनीता सबके लिए खाना बनाने का काम करती थी। एक रोज मेजर साहब वहाँ आते हैं। तो कहिए मेजर साहब, आज क्या खाएंगे आप लोग? जो भी आप खिलाएंगे भाभी, हम खा लेंगे। आप जो भी बनाती हो, लाजवाब ही होता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मेजर साहब। भाई, हमारी घरवाली के हाथों में तो जादू है जादू। अच्छा, तो फिर आप सबके लिए आज हम कढ़ी चावल और भिंडी रोटी पका देते हैं। तभी बाहर से गोलीबारी की आवाज आई। एक सैनिक भागते हुए आया और मेजर साहब से कहने लगा, साहब, दुश्मन देश ने हमारे कैंप पर हमला कर दिया है। हमारे कैंप पर हमला, सभी अपने हथियार लेकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशंस ले ली। मोहन और सुनीता वही रसोई में ही छुप गए। हमें बहुत डर लग रहा है जी, घर पर 5 बेटियां हमारे भरोसे बैठी हैं। अगर आज हमें कुछ हो गया तो उन सबका क्या होगा? मेरी छोटी तो अभी 6 साल की ही है। हमें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। लड़ाई चलती रही कि तभी एक दुश्मन ने पीछे से मेजर पर हमला करना चाहा, लेकिन मोहन ने उसे ऐसा करता देख लिया और वो भागता हुआ आया और मेजर को धक्का दे दिया और खुद दुश्मन की गोली का शिकार हो गया। ये देख सुनीता बौखला गई और वो दुश्मन को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन आखिरकार वो भी दुश्मन की गोली का शिकार हो गई। मेजर तो बच निकला, लेकिन उस दिन कई जवान और सुनीता और मोहन शहीद हो गए। पांचों बेटियों को जब अपने माँ बाप की मौत की खबर मिली तब वो बहुत रोई। आप लोग हमें छोड़ के क्यों चले गए? आज हम अनाथ हो गए। माँ पापा उठो ना, माँ मुझे आपकी गोदी में लो ना। माँ छोटी, अब माँ बाबा कभी तुझे अपनी गोद में नहीं ले पाएंगे बहन। इतना कहकर सभी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। किसी तरह उन पांचों ने एक दूसरे को संभाला, लेकिन अपने माता पिता की लाश देखकर उन्होंने कसम खाई, जिन्होंने भी हमारे माता पिता की ये हालत की है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आर्मी में जाऊंगी और इन दोनों की मौत का बदला लूंगी। पायल को आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसके बाबा अक्सर उसको आर्मी के बारे में बताते रहते थे। पायल ने खुद ही अपनी बहनों के साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक रोज उनके चाचा चाची उनके घर आए और कहने लगे, ए लड़की, चलो जल्दी से हमारा घर खाली करो। लेकिन चाची, ये घर तो हमारा है। ए नहीं था, तुम्हारे माँ बाप ने हमसे कर्जा लिया था, तो हम तो तुम्हारी जमीन को बेचकर ही उसे पूरा करेंगे ना। ऐसा मत करिए, हम सब कहाँ जाएंगे? लेकिन उन दोनों ने उन पांचों बहनों की एक नहीं सुनी। फिर वो जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, तो वो वही जंगल में बनी गुफा में चली गई और फिर उस दिन से वही रहने लगी। फिर एक रोज मेजर तक ये बात पहुंची, क्या उनके माता पिता ने मेरी वजह से अपनी जान गंवाई और आज उन्हें इस हालत में रहना पड़ रहा है? मेजर उनके पास गया और उन्हें उस दिन की सारी घटना बताई। साथ ही वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। उस मेजर का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। बातों बातों में मेजर को उनके आर्मी में जाने की बात पता चली। हम अपने माता पिता की मौत का बदला उन दुश्मनों से लेना चाहते हैं। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्चियों, आज से मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मेजर ने उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी। देखते ही देखते वो सब बड़ी हो गई और फिर उन लोगों को NCC कैंप में जगह मिल गई। उनके चाचा का बेटा अमित भी आर्मी में भर्ती हो गया। बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन अमित को ये सब देख गुस्सा आने लगा और वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया। बेटे, तनख्वाह से तो कितना कमा लेगा, हर वक्त तुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। तभी तो बाबा मैं सोच रहा हूँ कि ये फौज की नौकरी छोड़ दूँ। अरे मैंने इसीलिए सिफारिश लगवा कर तुझे आर्मी में भर्ती नहीं करवाया, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तू खूब पैसे कमाए। तू अपने कैंप से जरूरी खबर और हथियार दुश्मनों को बेचना शुरू कर, फिर देख तू कैसे पैसे कमाता है। ये बात अमित को अच्छी लगी। वो जंग में लौट गया और चुपके से हथियार दुश्मनों को बेचने लगा। ये लो अमित भाई, तुम्हारा इनाम। इतने सारे पैसे देखकर अमित खुश हो गया। उधर पांचों बहनों का आज आर्मी के लिए सिलेक्शन था। बहनों, आज हमें हर प्रतियोगिता में अव्वल आना है, किसी भी तरह आर्मी में भर्ती होना है। तुम पांचों बहुत बहादुर हो,
लेकिन हम इस जंग में लड़कियों को नहीं ले सकते। एक ही पल में उन पांचों का सपना टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक रोज उन पांचों बहनों ने देखा कि अमित नोटों से भरा बैग लेकर आ रहा है। बाबा पूरे 20 लाख है, तभी तो मैंने कहा था तुझे कि दुश्मन से मिल जाएगा तो फायदे में रहेगा और देशभक्त बना रहेगा तो जान गवाएगा। पांचों बहनों ने सारी बात कर्नल और मेजर को जाकर बता दी। तुम सब सच कह रही हो, इसीलिए मैं सोचूं कि दुश्मन हमला करने से पहले ही चौकन्ने कैसे हो जाते थे। आज रात ही हम उसका पीछा करेंगे। रात को उन सब ने उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर कहीं के फौजी होकर अपने ही देश से गद्दारी करता है। माफ कर दो सर, गलती हो गई। तभी उन दुश्मनों ने अफसर पर हमला कर दिया, लेकिन पायल और चारों बहनों ने उन दुश्मनों की खूब पिटाई की और मेजर और कर्नल की जान बचाई। तुम सबने आज हमारी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम लड़कों से कम नहीं हो, इसलिए आज ही तुम सबको आर्मी में भर्ती किया जाता है। कर्नल की बात सुनकर सभी बहनें बहुत खुश हुई। उधर अमित और चाचा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उन्हें देश से गद्दारी करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बॉर्डर पर चली जंग में पांचों बहनों ने 3 दिन के अंदर ही दुश्मनों को मारकर अपने माँ बाप की मौत का बदला पूरा किया। ये कहानी है विशेक की। विशेक इंडियन आर्मी में है। 6 महीने पहले ही विशेक की नौकरी आर्मी में लगी है। उसके माता पिता गांव में ही रहते हैं। विशेक हर दिन अपनी माँ बाबूजी को फोन करता और उनसे उनका हाल समाचार लेता। उसके माँ बाबूजी भी उसके फोन का इंतजार करते। उससे बात हो जाती तभी वो लोग कोई दूसरा काम करते। फोन की घंटी बज रही है। विशेक के बाबूजी फोन उठाते हैं। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबूजी मेरी सैलरी आ गई है, पैसे भेज दिए। आप बैंक जाकर निकलवा लीजिएगा, ठीक है? और जल्द से जल्द घर के छप्पर की मरम्मत करवा लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। ये कहकर बाबूजी ने फोन रख दिया। विशेक अपनी बैरक में जा ही रहा था कि बारिश होने लगी। बारिश को देखते ही उसे बचपन की कई बातें याद आने लगी। वो बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसके माता और पिता दोनों किसी दूसरे के खेत पर काम किया करते थे। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था। विशेक गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसकी एक आदत थी कि वो हर रात सोने के पहले अपनी माँ से कोई ना कोई कहानी जरूर सुनता था। एक रात उसकी माँ उसे महाभारत के अर्जुन की कहानी सुना रही थी। माँ, अर्जुन ने ही क्यों मछली की आँख पर निशाना लगाया, बाकियों ने क्यों नहीं? बेटा, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, इसलिए उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटका। विशेक ने उस दिन अपनी माँ की बात गांठ बांध कर रख ली और उसने बचपन में ही तय कर लिया कि उसे भविष्य में क्या करना है। वो अपने देश से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो चाहता था कि वो आर्मी में जाए। इसके लिए उसने 10 साल की उम्र से ही तैयारी शुरू कर दी थी। विशेक एक मैदान के चारों ओर दौड़ते हुए चक्कर लगा रहा है। 4 चक्कर हो गए, 1 चक्कर और पूरा कर लूं, तब घर जाऊंगा। विशेक हर दिन शाम और सवेरे मैदान के 5 चक्कर लगाया करता था। उस दिन भी उसने चक्कर पूरे किए और घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। रात ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो भीगते भीगते ही घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने खपरेल घर में पहुंचा, तो देखा कि बारिश के कारण उसके घर की छत से पानी टपक रहा था। वहाँ उसकी माँ ने एक मटका लगा रखा था। ये सब देखकर उसे अपनी किताबों की फिक्र हो रही थी। तो आ गया बेटा? माँ मेरी किताबें? तेरी सारी किताबें मैंने पॉलीथीन में बंद करके रख दी है, वो नहीं भीगेंगी। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे और तेरे बाबूजी के लिए खाना लगा देती हूँ। अब कितना हाथ मुंह धोऊंगा माँ, पानी में पूरी तरह से भीग कर तो आ रहा हूँ। विशेक की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। विशेक की पढ़ाई और आर्मी में जाने की तैयारी साथ साथ चलती रही और पढ़ाई खत्म होते ही उसने जो लक्ष्य तय कर रखा था उसे जल्दी ही हासिल हो गया। उसे आज भी वो दिन याद है जब। अरे डाकिया बाबू, अब चिट्ठी में क्या लिखा है जो इतनी देर से पढ़े जा रहे हो? वो तो बाद में बताऊंगा, पहले मुंह तो मीठा करवाओ। डाकिया बाबू, सच कहूँ तो घर में कुछ भी मीठा नहीं है, किसी और दिन आप खा लीजिएगा। पहले बताइए तो इस सरकारी चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे चाचा,
विवेक की नौकरी लग गई है, नौकरी है इंडियन आर्मी में। डाकिया ये बात बता ही रहा था कि अभिषेक भी वहाँ आ गया। उसके माता और पिता ने तुरंत उसे गले लगा लिया और ये खुशखबरी दी। कुछ दिन बाद अभिषेक के जाने का दिन आ गया। उसे याद है कि उसकी अम्मा और बाबूजी उस दिन कितना रोए थे। बचपन से जो बच्चा हर पल सामने रहता था वो अचानक से बहुत दूर जाने वाला था। खैर कुछ दिनों बाद ही अभिषेक ने एक अच्छा सा फोन बाबूजी को लाकर दे दिया और उन्हें वीडियो कॉलिंग भी सिखा दी। उसके बाबूजी ने कभी ऐसा फोन देखा नहीं था, इसलिए उन्हें दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन अभिषेक ने उन्हें सिखा दिया। बहरहाल एक दिन अभिषेक के बाबूजी और अम्मा उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वाह बाबूजी, अपना घर तो एकदम बदल गया। तेरी मेहनत से ही बदला है बेटा। दीवार पक्की करवा दी, छत भी पक्की हो गई। बस इस बार अपनी अम्मा के आँखों का ऑपरेशन करवा दे, वो अब ठीक से देख नहीं पाती। कल भी चावल में कितने सारे कंकड़ निकले। हाँ हाँ सिर्फ मेरी शिकायत करो, अपनी मत बताओ। कल खुद रात को ये गुसल खाने में गिर गए थे। अरे बाबूजी आपने बताया नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, वो जरा पाँव फिसल गया। झूठ मत बोलिया बेटा, डॉक्टर ने इन्हें भी आँख के ऑपरेशन के लिए कहा है। तुम भी ना उसे परेशान करती रहती हो। अरे एक बार में दोनों का ऑपरेशन होगा तो कितने पैसे लग जाएंगे। पहले से ही घर में इतने पैसे खर्च हो गए हैं। बाबूजी इसकी फिक्र आप मत कीजिए, इस बार की छुट्टियों में मैं दोनों का ऑपरेशन करवा दूंगा। अभिषेक की नौकरी लग जाने से उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। अभिषेक इस बात से बहुत खुश था। एक रात आर्मी के सभी जवान अपनी बैरक में थे, तभी उन्हें पता लगा कि आतंकवादियों ने दुश्मन देश की मदद से उनके कैंप पर हमला कर दिया, उसमें कई सैनिक शहीद हो गए। ये खबर सुनकर आर्मी के सारे जवान गुस्से से भर गए। जवानों हमें अपने सैनिकों की शहादत का बदला उन आतंकवादियों से जरूर लेना होगा। हमें अपने सूत्रों से पता लगा है कि आतंकवादियों का एक कैंप बॉर्डर के बिल्कुल पास से ऑपरेट हो रहा है। हम आज ही उस कैंप को उड़ाकर उन्हें करारा जवाब देंगे। आर्मी की बटालियन ने आतंकवादियों के कैंप को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से लगातार फायरिंग होती रही। सुबह से शाम हो गई लेकिन फायरिंग बंद नहीं थी। इस बीच अभिषेक आतंकवादियों की नजर बचाकर उनके कैंप में ही मशीन गन लेकर घुस गया। आतंकवादियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। लेकिन भारत माता का दुलारा अभिषेक फायरिंग की परवाह किए बिना उनकी फायरिंग का जवाब गोलियों से देने लगा। उसने सारे आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उन आतंकवादियों की एक गोली इस जाबाज के सीने को भी छलनी कर गई। अभिषेक शहीद हो गया। हम बूढ़ों को किसके भरोसे छोड़ गए बेटा? हमेशा कहता था अम्मा एक ही लक्ष्य है जीवन का, आर्मी में जाना, देश सेवा करना। तुमने देश के लिए अपना फर्ज तो निभा दिया बेटा, लेकिन हम तो अकेले हो गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? अभिषेक के शहीद हो जाने से उसके माँ बाप पूरी तरह टूट गए थे। वो हमेशा रोते रहते। लेकिन जीवन का ये भी सत्य है कि दुख चाहे पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो, जीना तो पड़ेगा ही। दूसरी ओर अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था, इसलिए उन बूढ़े माँ बाप को फिर से खेतों में काम शुरू करना पड़ा। पता है भाग्यवान, अब सच में जीने का मन नहीं करता। हमें मौत क्यों नहीं आ जाती? आप ऐसी बातें नहीं करिए, अभिषेक जीवित नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारे पास ही है हमेशा। आप जाबाज सिपाही के बेटे हैं, आप इस तरह कमजोर की तरह बातें करेंगे तो उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। बाबूजी ने जी तो कड़ा कर लिया, लेकिन बेटे की याद तो उन्हें हर पल आती। एक शाम जब दोनों खेतों से लौट रहे थे तो उनके गांव के सरपंच जी ने उन्हें देखा। एक शहीद के माँ बाप की ऐसी स्थिति देखकर उनका मन रो गया। उन्होंने पंचायत बुलाई। गाँव वालों, हमारे गाँव का बेटा देश के लिए शहीद हो गया, उसके बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में भी खेत में काम करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं सरपंच जी? मैं चाहता हूँ कि गांव के सारे लोग अपना हस्ताक्षर इस सफेद कागज में भरें। सफेद कागज में हस्ताक्षर? लेकिन क्यों? हम सरकार के पास ये कागज भेजेंगे
और शहीद के माँ बाप की रोजी रोटी ठीक से चले उसकी व्यवस्था की बात कहेंगे। सरपंच जी ने वो कागज सरकार को भेजा। सरकार ने जल्दी ही एक पेट्रोल पंप का आवंटन विशेष के परिवार वालों के लिए कर दिया। उस पेट्रोल पंप का नाम शहीद विशेष के नाम पर रखा गया। आज गांव में वो पेट्रोल पंप विशेष के माता पिता चला रहे हैं। उनके पेट्रोल पंप पर किसी भी शहीद सैनिक के परिवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। बेस्ट बडी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।